अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम गिलगित सिटी पार्क के पास हैं और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बाउंड्री सामने नज़र आ रही है, ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है, ये गिलगित एयरपोर्ट है। पहले ये बाउंड्री नहीं थी, नीचे से आम आदमी बाकायदा देख सकता था। अब इसको थोड़ा सा ऊंचा किया है, अभी आसानी से नहीं देखा जा सकता है। तो साथ साथ ये पहाड़ों का व्यू भी आप देखते जाएँ, तो क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है तो अभी हरियाली नहीं आई है, तो यहाँ पर घास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, खुशक हो चुकी है। अब इंशाल्लाह फरवरी के बाद मार्च के महीने में फिर यहाँ पर ठीक ठाक घास होगी, तो लोग अक्सर यहाँ पर धूप में सस्ताने के लिए सर्दियों में बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। आगे देखें, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखिएगा, तो इस सर्दी में जनाब अली ये वाहिद हल है कि थोड़ा उछल कूद हो, थोड़ी सी खेल कूद हो, तो फिर खेल कूद में जो है नौजवान यहाँ के महसूस होते हैं और बॉडी जो है गर्म भी होती है, तो सर्दी इतनी महसूस नहीं होती है। ये देखें, तो यहाँ पर खेल रहे हैं लोग, तो ऊपर पहाड़ भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे चिनार के दरख्त हैं। तो ये टीम है, ये टीम है, देखो यहाँ पर कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, आगे सारे सोलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। खैर इस इलाके में सोलर्स इतने जो हैं इफ़ेक्टिव नहीं है, तो ये देखें, हाँ ये नौजवान है जनाब अली, हम भी अपने ज़माने में खेला करते थे, मगर उस वक्त हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, अभी तो कुछ भी नहीं खेल सकते हैं। तो ये लाइन से जो है, इसमें आप आगे से जो है उधर से लेके लाइन से, ये बड़ी खूबसूरती ये है कि ये सारे जो है चिनार के दरख्त हैं आगे तक जो नज़र आ रहे हैं। तो गर्मियों में यहाँ पर शदीद गर्मी होती है, तो मैंने पिछले एक और वीडियो में भी अर्ज़ किया था, तो चिनार का दरख्त जो है ना वो बहुत ठंड देता है, बहुत ही, यानी गर्मी के लिए समझो ये रहमत है, रहमत चिनार का दरख्त जो है ना। तो ये पूरे लाइन से आगे तक जितने दरख्त हैं सारे चिनार के हैं, तो गर्मियों में लोग यहाँ नीचे बैठते हैं छाँव में, तो साथ साथ आप ऊपर पहाड़ों का भी नज़ारा करें, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं चलते हुए बना रहा हूँ, थोड़ा सा कवर, आगे भी मेरे ख्याल कुछ लोग खेल रहे हैं, मैं ज़रा कदम बढ़ाते हुए जा रहा हूँ आगे। तो इस वक्त जनाब इसमें इतनी हरियाली नहीं है, घास जो है ना सूखी हुई है, तो अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर ठीक ठाक हरियाली होगी, खूबसूरती होगी, फूल भी आपको नज़र आएंगे। तो मेरे ख़्याल में मुझे थोड़ा इस तरफ से जाना होगा। ये देखिए चिनार खुशक हो गए हैं ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये खिल जाएंगे, फिर इसके पत्ते निकलेंगे। तो ये साइड रूट है, इधर से चलते हैं, तो मैं फिर अंदर जाता हूँ ताकि आपको करीब से दिखाऊं सिटी पार्क गिलगित। गो कि यहाँ सिटी में कोई पार्क नहीं है, ये वाहिद पार्क है, तो इसका भी कहा जा रहा है कि किसी न किसी दिन ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आगे जो एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाया, अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस का मामला हुआ तो इस एयरपोर्ट को इन्हांस करने के लिए हो सकता है इसका कुछ हिस्सा एयरपोर्ट में जाए, ये काबिल इस वक्त है। तो देखें यहाँ पर भी नौजवान खेल रहे हैं बाकायदगी से, ये गेंद आ गई इधर, हाँ तो ये खेल रहे हैं, क्योंकि आज धूप नहीं है आसमान पे, मौसम फिर भी ठंडा है। तो जब आदमी चलता है बाहर, रोड पे निकलता है, वॉक करता है, तो फिर इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन एक जगह बैठने से, हाँ ये थोड़ी सी घास देखो हरी हुई है, हल्की हल्की सी थोड़ी सी, तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो है लड़के खेल रहे हैं इधर, ये भी इधर एंजॉय कर रहे हैं ताकि ये गर्म हो जाए। तो ये मैंने आपको अर्ज़ किया, दिखाया, ये बहुत बड़ी लंबी लाइन है चिनार की जो है ना, इधर से बहुत लंबी लाइन यहाँ पर
ये बड़ी खूबसूरती ये है कि इतने सारे चिनार के दरख्त हैं इसमें, तो बड़ा मज़ा आएगा गर्मियों में जब हम आएंगे इधर, तो इंशाल्लाह वीडियो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो देखते जाइएगा आप, ये यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, देखिए। हाँ, तो अब इसका दूसरा पार्ट है, आगे जो है उधर ज़्यादातर बच्चे और फैमिली होती है आगे उसमें, तो ताकि एक ही वीडियो में कवर करूँ मैं, अब दो दो वीडियो का मज़ा नहीं आएगा। तो इतनी देर में आप नज़ारा करें आसमान का, पहाड़ों का और बर्फ़ का नज़ारा करें, तो साथ साथ में चलता भी हूँ। हाँ, आगे छोटे बच्चे खेल रहे हैं उधर, ये देखें, मुझे ज़रा स्पीड बढ़ानी होगी चलते हुए, तो आप देखते जाएं। हाँ, इधर थोड़ी सी घास जो है ना, हरियाली हुई है यहाँ पर, ये धूप पड़ी है मेरे ख़्याल में, ये देखें। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो ही ये मौसम बाहर की तरफ रुख कर गया है अभी, लेकिन आसमान पे बादल है, अगर कंटिन्यू अगर धूप निकल जाए ना, तो विद इन 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर अंदर फिर ये नीचे जो ज़मीन जो है ना, ये हरी भरी होगी और घास जो है ना बिल्कुल ताज़ी जो है नई घास वो उग जाएगी बाकायदगी से। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, तो इस पार्ट में होते हैं बड़े भी सब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर छुट्टी के दिन यहाँ पर बच्चे और फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं ये आते रहते हैं इधर, तो ये बैठते हैं, कुर्सियाँ हैं आगे आपने देखा होगा। तो ये देखें ये चीज़ें, तो ज़्यादातर फैमिलीज आती हैं इधर, तो हम आपको दिखाएंगे। ये छोटा सा पार्क है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से में तो बड़ों के लिए वो खेल कूद के लिए है, वहाँ क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, तो इधर जो है इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, झूला झूलते हैं, बैठते हैं। ये बिल्कुल खुशक हो गई क्योंकि सर्दी में यहाँ पर लोगों ने चल चल के घास का बुरा हशर किया है, तो अभी बस ज़िंदा हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता ये जो घास है। तो यहाँ एक साथ बैठे हैं अकेले में आदमी, तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये इसमें देखें बच्चे, अच्छा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर ये देखें, तो ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है अकेले में। हेलो, अरे जय कालन बेटा, ठीक है नो, अल आता कतला। तो ये छोटा बच्चा देखें यहाँ पर खेल रहा, तो ये फैमिली विंग है यहाँ पर, ये देखें आगे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, लोग बेच रहे हैं, ये मंतू है एक डिश है, तो ये भी कुछ बच्चे खेल लें, तो देखिएगा। तो मैं फिर आगे तक नहीं जाऊँगा, बस यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको ये कवरिंग जो है तकरीबन कवरिंग दे दी। दुआ करें कि इंशाल्लाह गर्मियों में हम यहाँ का रुख करेंगे, तो फिर खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तो रात को वैसा बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर, लाइटें माइटें होती हैं, वैसे बिजली तो नहीं है लेकिन कभी कभार ये सिस्टम होता है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।